गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुधा मधु यूट्यूब चैनल। अभी बजे हैं सुबह के 5:30 और मैं जा रही हूँ योगा क्लास। फ्रेंड्स, सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। मैं ब्रश करके रेडी हो चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि आपने मेरे पुराने वीडियोस में देखा होगा कि अभी मैंने रिसेंटली शक्करपारे और नमक पारे बनाए थे, तो मैं सुबह सुबह खाली पेट बाहर जाना प्रेफर नहीं करती हूँ। आज मैं शक्करपारे और नमक पारे खा लूँगी थोड़े से, एक मुट्ठी भर के। आपने देखा होगा मैंने बना के रखे हुए हैं और इसी से मैं अपने दिन का शुरुआत करूँगी। एक मुट्ठी भर गुड़पारे एंड एक गिलास पानी, बस 2 घंटे तक भूख नहीं लगेगा। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिए। अभी जस्ट घर से निकली हूँ, मेरा चेहरा एकदम फ्रेश है, लेकिन मैं अभी लिफ्ट में हूँ। मेरा घर 2nd फ्लोर पे है, तो मुझे लिफ्ट में कम से कम 1 मिनट लगता है ग्राउंड फ्लोर बेसमेंट पहुँचते पहुँचते। मैं अपना योगा मैट लेके चल रही हूँ, आप देखते रहिए। मैं रोड पे चल रही हूँ, देखिए सुबह के 5:45 हो रहा है और हल्का हल्का सूरज निकल रहा है। देखिए आप स्काई देखिए, हल्का ब्लू कलर का है। वैसे तो मैं रोज़ गाड़ी से जाती हूँ, लेकिन आज मेरे पास मेरी गाड़ी नहीं है, तो मुझे चल चल के जाना पड़ रहा है। ज़्यादा दूर नहीं है, बस 5 मिनट्स के वॉक में मैं अपनी क्लास पहुँच जाऊँगी। और यहाँ का योगा क्लास का रूल है कि कंपलसरी बिंदी लगा के आना पड़ता है, इसलिए मैं बिंदी लगा के निकली हूँ, जो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा टी शर्ट के साथ, बट चलेगा, रूल्स तो फॉलो करना पड़ेगा। और चलते चलते थोड़ा और उजाला हो गया, ये देखिए फ्रेश एयर है, बड़ा मज़ा आ रहा है सुबह सुबह वॉक करने में। और वहाँ पहुँचने के बाद में फ़ोटो वीडियो मैं नहीं ले पाऊँगी योगा। तो गाइस, टाइम हो रहा है सुबह के 7:30। मैं अपना 1 घंटे का योगा का क्लास ख़त्म करके घर वापस पहुँच चुकी हूँ और आज छुट्टी का दिन है, स्कूल नहीं है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो अभी मेरा चल रहा है मी टाइम, सुबह के 7:30 बज रहा है। घर में सब लोग अभी तक सोए हुए हैं, कोई उठे नहीं है। तो मैंने सोचा कि लास्ट 1 हफ्ते से मुझे बहुत सारे पिंपल्स हो रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ अपने लिए एक फेस पैक बना लूँ होममेड, ये देखिए। तो चलिए, मैंने सोचा चलो आज आप सबको पैक बना के दिखा देती हूँ, सिखा देती हूँ। हल्दी बेसन का पैक मैं बना के लगाने वाली हूँ। तो गाइस, जस्ट मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं झट से पैक बना के ला के आपको दिखा देती हूँ। एक कटोरी ले लेते हैं और उसमें 1 बड़ा चम्मच बेसन डाल देते हैं और 1 छोटा चम्मच हल्दी और इसमें 1 बड़ा चम्मच नारियल का तेल डाल के इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। ज़रूरत पड़े तो 1-2 बूंद और आप नारियल का तेल डाल सकते हैं। गाइस, मेरा पैक बन के रेडी हो चुका है और अब इसे मैं अपने फेस पे लगा के 20 मिनट्स तक रख के फिर फेस वॉश कर दूँगी। अब मैं इस पैक को 20 मिनट्स तक रखूँगी, उसके बाद मैं फ़ेस वॉश कर लूँगी। साथ ही साथ आपको बता दूँ गाइस, हम लोग रिसेंटली जैगरी के लिए शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा ट्रांजिशन है। और हम जैसे पहले 2 चम्मच शक्कर डालते थे, तो वैसे उसी तरह अभी 2 चम्मच गुड़ का पाउडर डाल रही हूँ और ये बच्चे भी पसंद कर रहे हैं, तो आप भी ज़रूर ट्राई करिए। क्योंकि बच्चों का छुट्टियाँ शुरू हो चुका है, आप सारा दिन घर में रहने वाले हैं, तो मैं सोच रही हूँ उनके स्नैक्स के लिए आज चना दाल का वड़ा बना दूँ।
इस वड़ा के लिए 4 घंटे के लिए मैं चना दाल भिगा के रखूंगी, और रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप ज़रूर देखिए और ज़रूर बनाइए, ट्राई करिए। बच्चों के हॉलीडेज़ बहुत अच्छे रहेंगे, बच्चे खा के बहुत खुश रहेंगे। स्टे ट्यून्ड।